नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट अकाउंटिंग आरएसएनआर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हर एक अकाउंटेंट, हर एक व्यापारी को जो अभी प्रेजेंट टाइम में टेली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं भी कब हमें टेली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर का जो नया वर्जन है टेली सॉफ्टवेयर कंपनी का, टेली प्राइम का, तो वो कब लॉन्च हो और हम उसके नए फीचर्स के साथ और नए लुक के साथ अकाउंटिंग वर्क मेंटेन करें। तो दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि हम नए वर्जन की चाह में हम हमारे पुराने डेटाबेस का नुकसान कर बैठें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी मैटर पे हम बात करेंगे भी जब हम टेली ईआरपी 9 डाटा को टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जब हम अपडेट करेंगे, तो उससे पहले हमें टेली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर में क्या वर्क, जो इंपॉर्टेंट वर्क है, जो करने होंगे। अदरवाइज हमारा जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो वर्किंग हमारी करी हुई है, तो उस डेटाबेस का नुकसान होने का खतरा वो बना रहेगा। तो दोस्तों, क्या है वो इंपॉर्टेंट काम, तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक कर लें, ताकि हमारी टेली बिजी मार्ग और अकाउंटिंग टैक्सेशन से नई नई अपडेशन की जानकारियाँ, उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, अभी तक हम प्रेजेंट टाइम में यानी कि अक्टूबर 2020 तक हम टेली ईआरपी 9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वर्क मेंटेन कर रहे हैं अकाउंटिंग का। तो दोस्तों, बहुत सारे टेली यूज़र ऐसे होंगे जो अभी टीडीएल भी यूज़ कर रहे हैं, या वाउचर क्लास बना के अकाउंटिंग वर्क मेंटेन कर रहे हैं, या कोई अपनी तरफ से कोई जुगाड़बाजी करके अकाउंटिंग वर्क मेंटेन कर रहे हैं। तो अभी तक टेली ईआरपी 9 में सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। तो दोस्तों, जैसे ही ये डाटा टेली प्राइम में एक्सेस हम करवाएंगे, तो इसमें 1% का खतरा वो बना रहेगा। ये कोई 100% कन्फर्म नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों, हुआ क्या है भी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर जो नया लॉन्च हो रहा है, नया वर्जन जो लॉन्च हो रहा है टेली सॉफ्टवेयर का, तो उसमें क्या हुआ है भी जो प्रेजेंट टाइम में जो भी टेली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर में जो फीचर्स हैं, वो टेली प्राइम में सॉफ्टवेयर में आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन उनकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है वो सारी चेंज कर दी गई है, कुछ एक शॉर्टकट बना दिया गया है। तो दोस्तों, अब हमें किसी भी टाइप का रिस्क लेना नहीं है, क्योंकि हम अप्रैल से लेके और अक्टूबर तक यानी कि 7 महीनों की अकाउंटिंग वर्क हम हमारे क्लाइंट की मेंटेन कर चुके हैं, कंपनी की या किसी पार्टी की कर चुके हैं। तो हमें किसी भी टाइप का रिस्क हमें नहीं लेना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेली प्राइम में डाटा को एक्सेस करने से पहले टेली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर का डाटा का हम बैकअप जरूर रखेंगे। ये मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि हर एक अकाउंटेंट को ये करना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों टेली प्राइम एक नया वर्जन है, तो हो सकता है वहाँ पर जो हमने जुगाड़बाजी या वाउचर क्लास या जो टीडीएल के थ्रू अकाउंटिंग मेंटेन अभी तक हम कर रहे थे, हो सकता है वहाँ पर उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग हमें कुछ अलग से करनी पड़े। हो सकता है हमें टेली प्राइम के लिए कोई टीडीएल भी अलग से यूज़ करना पड़ सकता है, हम जैसे हम हमारे कस्टमर्स को मैसेज के लिए है, या कोई अदर जो भी हम फीचर्स के लिए टीडीएल हम यूज़ करते हैं, वो हो सकता है टेली प्राइम में हमें अलग तरीके से करना पड़े, या हो सकता है हमें टीडीएल कोई भी चेंज करना पड़े। तो ये 1% का रिस्क है जो बना रहेगा। हाँ, अगर आपकी अकाउंटिंग टेली ईआरपी 9 में बिल्कुल सिंपल तरीके से करी हुई है, यानी कि आपने केवल परचेज, सेल, पेमेंट रिसिप्ट या बैंकिंग वाउचर या क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, उस तरीके की अगर आपने सिंपल तरीके से करी है, कोई आपने टीडीएल यूज़ नहीं किया, कोई वाउचर क्लास आपने यूज़ नहीं करी, तो तब आपको जब डाटा आपका टेली प्राइम में अपडेट होएगा, तो आपको एजीटी ही डाटा उसमें अपडेट हो जाएगा, तो उसमें नुकसान होने का डर फिर भी रहेगा, लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना है। हम डेटा का बैकअप जरूर रखेंगे टेली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर का। तो दोस्तों, ये तो था एक सिंपल सा वर्क भी हमें टेली प्राइम में जब डाटा एक्सेस करेंगे तो टेली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर का बैकअप हमें जरूर रखना है। लेकिन उसके बाद में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी टीएसएस की। तो दोस्तों, आप देख सकते हो भी मेरा ये जो टीसीएस है ये एक्सपायर हो चुका है 31 जनवरी 2020 को, लेकिन आप देख सकते हो भी अभी जो मैं प्रेजेंट टाइम में रिलीज़ यूज़ कर रहा हूँ वो टेली का 6.5.5 यूज़ कर रहा हूँ, और टेली का जो प्रेजेंट टाइम में अभी जो लेटेस्ट रिलीज जो चल रहा है वो भी आप देख सकते हो भी वो 6.6.3। तो दोस्तों, अगर मैं 6.6.3 को अगर रिलीज़ अगर अपडेट करूं, तो मुझे इस टीएसएस को रिव्यू करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी तक मेरे को अगर 6.6.3
6.6.3 में अगर मैं रिलीज को अपडेट ना भी करूं तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक मेरी अकाउंटिंग मेरे क्लाइंट की अकाउंटिंग में आराम से मेंटेन कर रहा हूं। मेरी रिपोर्टें हैं जीएसटी संबंधित, टीडीएस से संबंधित या बैलेंस शीट, सब कुछ ओके चल रहा है, तो मुझे 6.6.3 की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरे जैसे और बहुत सारे ऐसे यूज़र होंगे जिनकी ये जो टीएसएस है वो एक्सपायर हो चुका है। किसी का 6 महीने से एक्सपायर हो चुका है, किसी का 1 साल से एक्सपायर हो चुका है, लेकिन उनको अकाउंटिंग मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उन्होंने इसको रिन्यूअल कराना को ज़रूरी नहीं समझा। तो दोस्तों अब जैसे ही इस डाटा को टेली प्राइम में अपडेट करेंगे तो इस टीएसएस को रिन्यू कराना कंपलसरी हो जाएगा, अदरवाइज आपका डाटा जो एजुकेशनल मोड में ही चलेगा। तो दोस्तों जैसे मैंने टेली ईआरपी 9 में एक कंपनी क्रिएट की है और इसमें एक मैंने परचेज की एंट्री करके रखी हुई है, ये बब्जर, और इसी कंपनी को मैं टेली प्राइम में अपडेट करता हूँ इस डाटा को माइग्रेट। तो जैसे माइग्रेट करने की कोशिश करेंगे तो मैं क्या कुछ एरर मिलेगी वो भी हम देखेंगे। तो मैं टेली प्राइम को ओपन करता हूँ, तो जैसे हम ओपन करेंगे तो कुछ एक वार्निंग हमें मिलेगी। वो क्या वार्निंग, टेली प्राइम ओपन अभी हो रहा है तो कुछ, तो जैसे ही टेली को हम ओपन करेंगे तो ये पॉपअप में हमें एक ऑप्शन ये वार्निंग हमें मिलेगी भी टीएसएस एज एक्सपायर्ड फॉर दिस लाइसेंस, यानी कि इस सीरियल की का जो टीएसएस है वो एक्सपायर हो चुका है, आपको इसे रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर मैं इसको रिन्यू नहीं करवाऊंगा तो जो टेली प्राइम में मेरा डाटा सारा एजुकेशनल मोड में ही रन करेगा। तो अगर मैं इसे नो करता हूँ, तो जैसे ही नो करूँगा तो यहाँ पर ये ऑप्शन देखेंगे भी अपडेट यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क या कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मुझे एजुकेशनल मोड में इस डाटा को रन कराना पड़ेगा, और जैसे रन करूँगा तो सेम वही कंपनी भी न्यू स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये भी मेरी न्यू स्मार्ट कंपनी, तो सेम ही है, सेम डाटा की लोकेशन मैंने यहाँ पे दे रखी है। तो इसको मैं इंटरप्रेस करूँगा, तो जैसे इंटरप्रेस करूँगा तो मेरे से यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग वगैरह यहाँ पे पूछेगा भी आपको डाटा को माइग्रेट करने से पहले आपको डाटा को बैकअप आपने लेना है या नहीं लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बैकअप नहीं लेना, बैकअप हमें टेली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर में रहते हुए ले लेना है। तो हम बैकअप को करेंगे नो, तो इसके लिए हम करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन पे जाने के बाद यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन देख रहे हैं भी बैकअप कंपनी डेटा बिफोर माइग्रेशन, भी आपको टेली प्राइम में डाटा को लाने से पहले बैकअप आपको लेना है या नहीं लेना, अगर आप लेना चाहते हो तो यस करके और इसके डेटा का बैकअप का पाथ आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसे नो करूँगा, तो और नो करने के बाद मैं इस डाटा को माइग्रेट करूँगा। तो अब न्यू स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी का जो डाटा वो सारा टेली प्राइम में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सेम वही नेम न्यू स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी, और 30 अक्टूबर की वो मैंने एंट्री करी है। तो इसके अगर डे बुक देखेंगे तो सेम वही वाउचर्स की एंट्री आ जाएगी। तो ये मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से एंट्री करी थी, तो बिल्कुल सिंपल तरीके का डाटा एजीटीसी टेली प्राइम में ट्रांसफ़र हो गया। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ भी आपको परेशानी कहाँ हो सकती है, जहाँ पर टीडीएल यूज होता होगा या वाउचर क्लास के यूज होती होगी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फीचर्स को शॉर्टकट किया गया, तो हो सकता है इसमें कुछ दोबारा चेंजिंग करनी पड़े। तो अब एक बार जो डाटा हमारा टेली प्राइम में अपडेट हो चुका है, तो जैसे हम टेली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर को डाटा को हम बंद करूँगा और इसे मैं अगर दोबारा रन कराऊँगा सेम इसी कंपनी को ही, तो यहाँ पर मुझे एरर दे देगा, और मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको करूँगा, तो आप देख सकते हो ये मेरे पास एक वी अनेबल टू ओपन दी कंपनी विद न्यू स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी इन रिलीज ऑफ टेली ईआरपी 9, यानी कि अभी ये जो डाटा है ये डाटा इस वर्जन से अपर यानी कि हायर डाटा की जो रिलीज है उस कंपनी में अपडेट हो चुका है, तो ये इस रिलीज में ये ओपन नहीं होगा। तो जैसे हम यस करेंगे तो ये हमें टेली कंपनी की हेल्प की साइट पे वहाँ पर हमें ले जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये होगा अगर हम इस कंपनी को अगर वापस टेली ईआरपी 9 डाटा में ही अगर चलाना हम चाहें तो हम इस डाटा को रीराइट करेंगे इस कंपनी को। तो रीराइट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एल्ट और आर, इनको तीनों बटन को एक साथ हम प्रेस करेंगे तो उस कंपनी को हमें सिलेक्ट करना है जिस कंपनी को रीराइट करना होगा, और रीराइट हम इसको करें यस और इसको करेंगे नो। तो अब ये जो कंपनी का जो डाटा इस टेली ईआरपी 9 में
ओपन हो जाएगा। लेकिन अब जैसे इसमें ओपन हो गया तो टेली प्राइम में अगर आप ओपन करोगे तो ये डाटा एरर आके इस तरीके की आपका सॉफ्टवेयर है जो क्लोज हो जाएगा। तो जैसे आप इसको इंटरप्रेस करोगे तो टेली प्राइम बंद होके दोबारा ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही रिस्टार्ट होगी तो सेम जो अभी प्रक्रिया हमने करी है वो प्रक्रिया इसकी दोबारा दोहरानी पड़ेगी डाटा को माइग्रेट करने के लिए। तो सेम वही पॉपअप दोबारा हमारे पास आएगा भाई TSS एक्सपायर्ड और इसको रिन्यू आप कराओ। अगर आप करवाना चाहते हो आप यस करोगे तो आपको डायरेक्टली से पोर्टल पे ले जाएगा, अगर आप नो करोगे तो आपका जो डाटा है वो सारा एजुकेशनल मोड पे रन हो जाना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक तो ये था टेली ERP9 में, अगर आपने रिन्यू नहीं करवाया तो आपकी वर्किंग अकाउंटिंग जो मेंटेन हो रही थी, लेकिन अब इससे प्राइम में डाटा को अपडेट करने के लिए आपको इसका TSS रिन्यू करवाना कंपलसरी हो जाएगा। तो दोस्तों ये दो इम्पोर्टेंट वर्क, यानी कि सबसे पहले हमें हमारी जो जितने भी कंपनी है टेली ERP9 में सभी का बैकअप हम रखेंगे, उसके जो डाटा की जो फोल्डर उसका बना हुआ है उस डाटा के फोल्डर को भी हम कॉपी करके एक साइड में रखेंगे, क्योंकि हमारे वर्किंग है जो बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। कई बार बहुत सारी कंपनी में एक एक दिन के अंदर भी कम से कम 200 से 300 इन्वॉइस जनरेट हो चुके होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी अगर थोड़ा सा भी नुकसान हो गया तो हो सकता है हमें सारी वर्किंग दोबारा करनी पड़ जाए, तो हमें रिस्क किसी भी टाइप का नहीं लेना है। अगर हमारे पास बैकअप का ऑप्शन रहेगा तो हो सकता है टेली सॉल्यूशन कंपनी की तरफ से हमें उसका कोई समाधान मिल जाए। और सेकंड जो वर्किंग है वो हमारी TSS की है, उसे रिवेन्यू करवाना कंपलसरी हो जाएगा अगर आपके पास रिवेन्यू अभी नहीं है तो, क्योंकि अभी तक तो सभी का वर्किंग चल रही तो किसी ने कुछ ज़रूरी नहीं समझा। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर भी ज़रूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।